नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं प्रतिशत टॉपिक के जो चुनाव पे आधारित क्वेश्चन होते हैं उनको करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था, जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़ लिए थे और भी जो काफी टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज अपन करने जा रहे हैं जो चुनाव पे आधारित क्वेश्चन होते हैं उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हाँ भाई, लाइक वगैरह कर देना वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं अपन, चुनाव पे आधारित जो भी क्वेश्चन है उनको इजी तरीके से हल करने वाले हैं। लास्ट के शुरू में आप 5 मिनट अटके रहना, फिर देखना किस प्रकार से अपन इनको हल करते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, दिए गए वेद एवं प्रत्येक सदस्य ने मतदान किया। ठीक है, एक चुनाव था उसमें कितने उम्मीदवार थे? दो थे, ए और बी। दिए गए सभी मत क्या थे? वेद थे। और प्रत्येक सदस्य ने क्या किया? मतदान किया। ए वह बी को 3:10 में क्या मिले? वोट मिले। ए और बी को किस अनुपात में वोट मिले? 3:10 में वोट मिले। असफल उम्मीदवार था तो उसको 46,860 मत प्राप्त हुए। जो असफल उम्मीदवार था उसको 46,860 वोट प्राप्त हुए। तो कुल कितने सदस्य थे ये अपने को पूछा गया है। क्वेश्चन इजी करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। देखो करते हैं अपन। एक चुनाव था उसमें क्या कितने किस अनुपात में थे? ए अनुपात बी। ए के कितने थे? 3, तो बी के कितने हो जाएंगे? 10। ये बात सभी के समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कौन कौन से थे? ए और बी थे। इसका अनुपात दिया गया अपने को 3:10। बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखो असफल उम्मीदवार कौन सा है इसमें जिसको कम वोट प्राप्त हुए? ये हो गया असफल उम्मीदवार। कौन सा हो गया असफल उम्मीदवार? कौन सा है इसमें असफल उम्मीदवार? अपना ए। ए को कितने मिले हैं? 3। और बी को कितने मिले हैं? 10। इस अनुपात में क्या मिले हैं? वोट मिले हैं। तो अपने को दिया हुआ जो असफल उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले हैं? 46,860। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 46,860 ये किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया ये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 46,860/3। 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 3 का भाग 4 में गया 1 बार, 1 बज गया 6, ये हो गए 16। 16 में 3 का भाग दिया 5 बज जाएगा 1, 6 बज गया, ये कितने हो गए? 18। तो 18 में 3 का भाग जाएगा 6 बार। अब उतार लिया अपने 6, 6 में 3 का भाग जाएगा 2 टाइम, बच गया 0। तो ये अपने पास क्या आ गया? ए का मान आ गया 15,620। बात आ गई होगी समझ में। अब जो अपने को पूछा है उसका मान निकाल लेंगे। अब पूछा क्या अपने को? कुल सदस्य पूछे हैं चुनाव में, कुल कितने सदस्य थे जिन्होंने क्या दिया? किया मतदान। मतदाताओं की क्या पूछी अपने को? संख्या। तो देखो कितनी हो जाएगी, कुल संख्या कितनी है? ए को दिए 3, तो बी को कितने दिए? 10। ये कुल कितने हो जाएंगे? ए प्लस बी बराबर कितने हो गए? 13 हो गए ना। अब अपने पास किसका मान है? एक का मान कितना है? 15,620। क्या दिया हुआ है अपने पास? कुल मतदाता कितने हो गए? 13 हो गए ना। ए प्लस बी कितने हो गए? 13 हो गए। और एक का मान अपने को दिया कितना? 15,620। तो अपन करेंगे कुल मतदाता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे? गुणा। किसको गुणा करेंगे? 13 13। तो ये आ गए, ए प्लस बी का मान आ गया ना। ए के कितने थे? 3। और बी के कितने थे? 10। तो ये हो गए 13। और एक का मान कितना है अपने पास? एक का मान आया 15,620 आया। अब इनको अपन क्या कर लेंगे? गुणा। 13 को गुणा किया, 0 से 0 आ गया, 13 दूनी 26, हाथ की देखो कितनी लगी? 2। फिर 13 को गुणा किया अपन ने 6 से 13 78 हो गए ना। और 2 1 कितने हो गए? 80 बिंदु, हाथ की लगी 8। 13 का फिर 13 गुना किया 5 से 13, फिर जो 65 और 8 कितने हो गए? 65 और 8 कितने हो जाएंगे? 73 हो जाएंगे ना। हाथ के लगे 7।
13 और 7 कितने हो गए, 20 हो गए। तो कुल मतदाता देखो कितने हो गए, 2,03,060 हो गए कुल मतदाता। कुल मतदाताओं की संख्या देखो कितनी हो गई, 2,03,060 हो गई कुल मतदाताओं की संख्या। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक और भी दो उम्मीदवार थे, उनका अनुपात था मत प्राप्त हुए एक को तो 3 प्राप्त हुए, तो बी को कितने प्राप्त होंगे, 10 मत प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त हुआ, 3:10 में मत प्राप्त हुए। अब आगे दिया हुआ है जो असफल उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले, 46,860 मत मिले। जो असफल था उसको कितने मिले, 46,860 मत मिले। तो अपने कल कुल मत पूछे हैं, तो अपन क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात अपने को पता है, अपने क्या किया, जो असफल उम्मीदवार कौन सा है, ए। ए का मान कितना दिया हुआ अपने को, 3, और इधर कितने दिए हुए हैं, 46,860। तो इसको अपने क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। फिर अपने ए का मान निकाल लिया, ए का आया 15,620। फिर अपने को कुल चाहिए था, तो अपने ए प्लस बी को ऐड किया तो ये कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। फिर अपने क्या कर दिया, 13 से इसको गुणा कर दिया, तो अपने मान आ गया 2,03,060। कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 2,03,060। चलो जिसको उतारना उतारो, बाकी आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, ए उम्मीदवार को 68% मत प्राप्त हुए और 14,400 वोट से वो क्या हो गया, जीत गया। तो कुल कितने मत थे ये पूछा अपने को, क्वेश्चन इजी करने की कोशिश करो। क्या पूछा है, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, ए उम्मीदवार को 68% क्या हुए मत प्राप्त हो गए और 14,400 वोटों से वो क्या जीत गया। तो कुल कितने मत थे ये पूछा अपने को, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो, मैं करता हूं। देखो क्या दिया हुआ है, ए अपने पास कुल मत कितने हैं, 100। उम्मीदवार कितने अपने पास, ए और बी, इधर ए है ये बी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए को 68% प्राप्त हो गए, ठीक है, और वो जीता कितने से, 14,400 वोटों से वो क्या जीत गया। तो इसको 68% प्राप्त हो गए, तो बी को कितने प्राप्त होंगे पता है क्या आपको, ए को कितने मिले, 68% मिले, तो बी को कितने प्राप्त होंगे, 100 में से 68 घटा लेंगे अपन, 100 - 68 बराबर क्या हो जाएगा, 32% मिल गए। बी को कितने मिले, 32%, ए को 68। अब क्या दिया हुआ है कि वो जीता कितने से, 14,400 से, तो देखो इनका अंतर कितना आ गया, इसका और इसका अंतर, जितने से जीता है वो तो इसका अंतर होगा ना, जितने वो गैप से वो जीता है, जितने वोटों से वो जीता है वो तो इनका अंतर हो जाएगा। तो इससे कितने निकले क्या गया हो, इनका अंतर देखो, इनका अंतर अपने को दिया है 14,400। बात समझ में आ गई, और वैसे अंतर देखेंगे तो आएगा 36%, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, 36% कैसे आया, इन दोनों का अंतर कितना है, 36% है 68 और 32 का, ए को मिले थे 68% वोट और बी को मिले थे 32%, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 36 हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है इनका वोट का अंतर कितना है, 14,400, तो 36% बराबर क्या हो जाएगा, 14,400, ए का मान निकाल लेंगे तो बटा हो जाएगा 36 का भाग 144 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, 2 0 ऐसे गए ऐसे आ गए, तो ये हो गए 400। बात समझ में आ गई, ए का मान कितना आ गया, 400। अब अपने को पूछा है कुल कितने मत थे, कुल मत कितने थे, तो देखो कुल कितने मत थे, अब गुणा कर देंगे 100 से, कुल मत थे अपने पास कितने, शुरू में माने थे 100 माने थे ना, और ए का मान कितना आ रहा है, 400, तो कुल मत हो जाएंगे 400 × 100। बात समझ में आ गई होगी, हमने कुल मत हो गए 40,000। कैसे किया एक बार दोबारा देखो,
एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार कौन थे? ए और बी। अब ए को मिलते हैं 68%, तो बी को कितने मिलेंगे? बी को देखो 32% मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? 100 में से 68 तो मिल गए ए को, बाकी बचे 32% वो किसको मिल जाएंगे? बी को। अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन दोनों का अंतर है वोट 14,400 वोटों से उसने क्या की, जीत हासिल की। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 14,400। वैसे अपन ने अंतर निकाला तो 36% का अंतर आ गया। तो अपन ने क्या किया, 36% बराबर 14,400, एक का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 400 जाएगा। अब अपने कुल मतदान चाहिए, कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, 100 माने ना, तो गुणा कर देंगे 400 × 100 बराबर क्या हो जाएंगे, 40,000। बात समझ में आ गई होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो उम्मीदवारों में एक को वैध मतों का क्या 60% प्राप्त हुआ और 10% वोट क्या थे, अवैध थे। 10% वोट क्या थे, अवैध थे भाई। 10% वोट क्या थे, अवैध थे। कुल मतों की संख्या 8,000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? क्या क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को वैध मतों का कितना हुआ, 60% प्राप्त हुआ, ठीक है, और अवैध मत कितने थे, ये अपने को दिए 10% दिए हैं अवैध। कुल मतों की संख्या दी अपने को 8,000, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये अपने को पूछा है। करने की कोशिश करो, क्वेश्चन लीजिए, वीडियो पॉज कर दो, चलो करते अपन। एक तरीका तो देखो इसका ये हो गया, माना कुल वोट कितने थे, 100 थे। कैसे करेंगे देखो एक बार, इधर कुल वोट अपन ने मान लिए कितने, 100 वोट मान लिया अपन ने। अब क्या हुआ, इससे वैध अवैध वोट कितने हैं, अवैध है अपने 10%, कितने हो गए 10%, तो वैध वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो गई ना, ये क्या हो गए, वैध वोट हो गए। 10% क्या है, अवैध वोट है, तो वैध कितने हो गए, 10 अपने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो ये हो गए 90 वैध वोट। वैध वोटों का आपने कितना दिया, एक उम्मीदवार को 60%, वैध कितने हैं 90, तो 90 क्या एक को मिले 60% मिले बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, तो 9×6=54 मिल गए भाई एक को। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 90 माइनस है 54 मिल जाएंगे दूसरे को। बात समझ में आ गई क्या, इधर आ गया 6 और ये हो गए कितने, 6 हो गए 3 आ गया, तो दूसरे को मिले 36%, दूसरे को 36 मान लो, दूसरे को कितने मिले 36, पहले को मिले 54, दूसरे को कितने मिले 36। बात समझ में आ गई। अब आगे कैसे करेंगे, कुल मत कितने अपने 8,000 है, कुल मत कितने हैं 8,000, कुल मत कितने हैं 8,000 हैं, तो एक का मान कितना हो जाएगा बट्टे 100 कर देंगे अपन, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 80 आ जाएगा। अब अपने को चाहिए क्या, चाहिए अपने को दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले 36 मिले, 100 में से कितने मिले 36, तो अपन गुणा कर देंगे 80×36। बात समझ में आ गई होगी। अब जीरो, ये तो जीरो आ गया, फिर 8 से कितने हो गए 48, 8 के कितने लगे 4, 8 के कितने हो गए 24, 24 4 कितने हो गए 28, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले 2880 वोट मिले। बात समझ में आ गई होगी कैसे मिले, अपने पास कुल वोट थे 100, इसमें से 10 क्या हो गए अवैध मत थे, उसको हटा दिया, तो कितने बचे वैध, कितने बचे अपने पास 90 बच गए ना, वैध कितने बचे 90। अब 90 का 60% कितना होता है, 54 होता ना, ये हो गया 54, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, अपने क्या किया 90 से 54 घटा दिए, तो दूसरे को मिल गया 36, दूसरे को क्या मिले 36। अब क्या दिया हुआ है अपने को, कुल मत दिए हुए हैं 8,000, 8,000 किसके बराबर है, कुल मत अपने कितने 100 और क्वेश्चन में कितने दिए हैं 8,000, तो अपन ने लिख दिया इधर 100 के बराबर क्या लिख दिया 8,000, तो एक का मान कितना जाएगा 80 आ जाएगा। अब क्या किया अपने, 36 का मान निकालने के लिए 36 को गुणा कर दिया 80 से। बात समझ में आ गई होगी, इस प्रकार से अपना आंसर आ गया 2880। अगर वैसे ऐसे नहीं करो तो सीधा कर लो आप, सीधा कैसे होगा,
सीधा होगा अपने पास कुल मत है 8000। ये बहुत शॉर्ट तरीका है, इसमें से क्या हो गया 10% क्या हो गए अवैध हो गए, तो कितने बचे 90 बचे ना, 90 बच रहे भाई। अब इसको अपने सोल्व किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इधर क्या आ गया 2 0 आ गए और ये कितना आ गया 8 9 72। तो अपने पास वैध मत बच गए 7200। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, एक को मिल गए 60%, इसमें से कितने मिले 60, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 40% मिलेंगे ना। एक को 60% मिल गए, वेद मत कितने अपने पास 7200, उसमें से एक को 60% मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे, अगर एक को 60 मिलेंगे तो दूसरे को 40 मिल जाएंगे ना, तो अपने सीधा 40 का मान निकाल लेंगे, 7200 का कितना निकाल लेंगे 40% निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये 0 आ गया, 4 दूने कितने आ गए 8 आ गए, 700 के कितने हो गए 28 हो गए। बात समझ में आ गई, ये आंसर इससे है, ये इससे है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। ये कैसे किया, अपने पास कुल मत थे कितने 8000, उसमें से क्या हुए 10% क्या हो गए अवैध हो गए, तो अपने अपने पास कितने बचे 90% बचे, तो अपने 8000 का निकाल लिया 90%, तो कितना है 7200। फिर क्या हुआ, 7200 में से दूसरे को कितने मिलेंगे 40% मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, पहले को कितने मिले 60 मिले थे, इसको मिले थे 60%, तो शेष कितने बचे 40% मिल गए ना, तो अपने के कुल मत कितने थे 7200, वेद मत कितने थे 7200, इसमें से 40% मिले दूसरे को, तो 40% का मान निकाला हुआ अपने कितने आ गया 2880। बात समझ में आ गई होगी, चलो आगे बढ़ते हैं, जिनको नोट डाउन करना करो भाई। देखो भाई, एक चुनाव में ए को 30% मत प्राप्त हुए, बी को कितने हुए 25% मत प्राप्त हुए, और उम्मीदवार सी को 6 वोट मिले और ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए, तो बी को कितने वोट मिले, ये क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। इसमें दिया हुआ है एक चुनाव थे, उसमें पार्ट ए था, बी था और सी था, ए को कितना मिला 30%, बी को कितना मिला 25%, बाकी जो बचे वो किसके मिल किसको मिले सी को, और सी को ए से ना 9000 अधिक मत प्राप्त हुए, ए से कितने हुए 9000 अधिक मत प्राप्त हुए, तो बी को कुल कितने मत मिले, तो बी के क्या पूछा आपने, बी के वोटों की संख्या अपने को पूछी है। क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है, वीडियो पॉज कर दो फिर करो। देखो कर लिया होगा, अब मैं बताऊं कैसे करेंगे, ये ए आ गया, ये अपना बी हो गया और ये सी हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए को कितने मिले 30% मिले, ए को कितने मिले 30%, बात समझ में आ गई, तो ये ए को मिल गए 30, बी को कितने मिले 25%, तो अपन ने लिख दिया बी को मिल गए 25%। अब बताओ सी को कितने मिले, क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड है ये, सी को कितने मिले, हर किसी से नहीं होगा ये, तो सी को कितने मिले, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो 100 से माइनस करेंगे जो आया वही कितने किसको मिले सी को, तो देखो कुल अपने माने कुल कितने माने 100, और इनको ऐड कर दिया कितने हो गए 55 हो गए, तो सी को कितने मिल गए 45 मिल गए ना, आ गई बात समझ में, सी को कितने मिल गए 45%, ई को ए को मिले 30%, बी को 25%, तो सी को जो बाकी बचे वो किसको मिल गए सी को, तो सी के कितने परसेंट हो गए 45% हो गए। बात समझ में आ गई होगी, बस आगे तो आप कर ही सकते हो। अब ए से क्या बताया है, ए से मिले हैं सी को कितने 9000 अधिक मिले हैं, कितने 9000 अधिक मिले, ये क्या मिले हैं अधिक, और वैसे देखो ये कितने परसेंट अधिक है 30 से 45, कितने परसेंट अधिक है देखो 15% हो गया ना, ये कितने परसेंट अधिक है 15%, तो इधर निकालेंगे 15% बराबर क्या होगा, 15% का मान कितना दिया अपने को 9000 दिया हुआ, कितना दिया 9000 दिया, बात समझ में आ गई। एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 9000 में अपन 15 का भाग देंगे, तो 15 छह के कितने हो गए 90, तो मान आ जाएगा 600, एक का मान कितना आ गया 600। अब जो भी अपने पूछा वो निकाल लेंगे, इसमें क्या दिया है बी को कितने वोट मिले, तो बी को देखो इधर कितने वोट मिले
बी को कुल वोट मिले 25, तो क्या करेंगे, बी बराबर हो जाएगा 25 गुणा 600। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, जीरो आ गया, एक जीरो और आ गया, और 25 छक्कों कितने हो गए 150, तो ये आ गए 150, तो वोट मिल गए अपने को 15,000। बी को कुल कितने वोट मिले 15,000। बात समझ में आ गई होगी, कैसे किया, अपने को दिया हुआ था एक चुनाव है, उसमें ए को मिले 30%, बी को मिले 25% और बाकी जो बच्चे थे वो किसको मिले, सी को। आगे दिया हुआ था सी को ए से 9,000 अधिक मत प्राप्त हुए, तो बी को कितने वोट मिले, तो अपन ने क्या किया, ए का वोट लिख दिए कितने हैं 30, बी के कितने हैं 25 और सी के कितने हो गए 45% हो गए। अब क्या दिया हुआ है, ए से कितने अधिक है 9,000 अधिक है, और ए से देखो परसेंट कितना अधिक है 15% अधिक है, तो अपन ने माना 15% बराबर क्या हो गया 9,000, तो एक का मान निकाल लिया, एक का मान कितना आया 600 आया, तो अपन क्या करेंगे, बी का मान निकालने के लिए बी के कितने हैं 25% है और 1% का मान कितना 600, तो क्या करेंगे गुणा 600 गुणा 25 बराबर 15,000, ये क्या हो जाएगा बी का मान। बात समझ में आ गई होगी, चलो आगे बढ़ते हैं, जिसको नोट डाउन करना करो। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में ए को 37% प्राप्त हुए और वह हार जाता है, भाई कितने वोटों से, 338 वोट मतों से हार जाता है, तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है, एक चुनाव था उसमें ए को 37% प्राप्त हुए और वह हार जाता है कितने वोटों से, 338 वोटों से हार जाता है, तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। संख्या पूछे अपने को कुल मतों की, कैसे करेंगे आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो। क्या दिया हुआ, एक चुनाव था उसमें क्या हुआ, ए को 37% मत प्राप्त हुए और वो हार भी जाता है कितने वोटों से, 338 वोटों से, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कर सकते हो क्या, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो और करने की कोशिश करो। देखो अपन करते हैं, आपने कर लिया होगा, माना कुल वोट कितने थे 100 मान लिया अपन ने, कुल कितने माने 100, तो ए के कितने प्राप्त हुए, ए को प्राप्त हुए 37%, तो बी को कितने प्राप्त होंगे, देखो माइनस कर दो 100 से, 63% क्या हो गए बी को प्राप्त हो गए। आगे बात समझ में, ए को 37 हुए तो बी को कितने हो गए 63 हो गए। आगे बात समझ में, अब आगे क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि वो हार जाता है 338 मतों से, क्या जाता है हार जाता है, तो इनका अंतर देखो कितना होता है 338 वोटों से, क्या हो जाता है इनका अंतर होता है उससे, क्या हार जाता हो, और वैसे इनका अंतर देखेंगे देखो कितना आ रहा है, वैसे अंतर करेंगे 37% और 63% का कितना हो जाएगा, 63 से माइनस 37 करेंगे तो 13 से 7 गए कितने बच गए 6 बच गए, ये हो गए 4, फिर बच गए 2, तो ये हो गया 26% हो गया अपने पास, तो अपने पास 26% का मान देखो कितना है 338 है ना, एक का मान निकाल लेंगे, एक बराबर क्या हो जाएगा 338/26, 26 का भाग 33 में दिया एक बार, शेष कितने बच गए देखो 6 बच गए, फिर ये कितने हो गए, ये हो गए अपने भाई 68 हो गए, तो 26 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार, 26 का भाग कितनी बार गया 3 बार, तो इसका मान आ गया 13 आ गया ना, एक का मान कितना आ गया 13 आ गया। बात समझ में आ गई, अब आगे अपने को क्या करना है, कुल मतों की संख्या पूछी है, तो अपन ने कुल मत कितने माने थे 100 माने थे, तो क्या करेंगे 13 × 100 बराबर क्या हो जाएगा 1300। बात समझ में आ गई, चुनाव तो छोटा ही था, 1300 मत थे इसमें, कोई गांव का होगा। क्या दिया हुआ, एक बार दोबारा देखो, एक चुनाव में ए को 37% मिलते हैं और वो हार जाता है 338 मतों से, तो डाले गए मतों की संख्या पूछिए, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वोट मानेंगे, कुल 100 वोट थे उस गांव में, अब ए को मिल गए 37%, तो बी को कितने मिल जाएंगे 63%, इसमें दिया हुआ है कि जो आ रहा है वो कितने वोटों से आ रहा है 338 से, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 338, और वैसे अपन ने परसेंटेज निकाला तो वो कितना आ रहा 26,
तो 26 बराबर हो जाएगा 338, एक का मान कितना हो जाएगा 13, एक का मान कितना हो गया 13 हो गया ना, आ गई बात समझ में। तो कुल मत कितने थे अपने 100 थे, तो क्या करेंगे 13 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा 1300, ये अपना क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई होगी, इनको नोट डाउन करना करो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन इजी है वैसे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक कुल वैध मतों का 40% प्राप्त करता है और 30% वोट क्या होते हैं अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि मतों की कुल संख्या कितनी है 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई क्या, क्या दिया हुआ है, एक चुनाव था उसमें दो उम्मीदवार थे, एक कुल वैध मतों का कितना लेता है 40% लेता है, एक है वो वैध मतों का कितना 40% प्राप्त करता है, तथा 30% वोट थे वो अवैध थे, कितने वोट थे अवैध 30%। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी, मतों की कुल संख्या कितनी है 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, ये अपने को पूछा है। देखो कैसे निकालेंगे, आप करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है, इतना ज्यादा हार्ड है नहीं। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, अपने पास अपने मान लिया 100 वोट थे, बात समझ में आ गई कुल कितने थे 100 वोट थे, या फिर सीधा ही कर लेंगे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो इधर कुल मत कितने थे 7500 थे, 7500 क्या थे मत थे, बात समझ में आ गई। इसमें से क्या हुआ 30% वोट क्या हो गए अवैध हो गए, 30% वोट क्या हो गए अवैध, तो अपने पास बचे कितने वैध वोट 70%, तो अपन क्या करेंगे 7500 का 70% निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएंगे वैध वोट हो जाएंगे अपने, क्या हो जाएंगे वैध मत बराबर क्या हो जाएगा इसका मान निकाल लेंगे। देखो 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, इधर आ गए 10, अब 7 से गुणा करेंगे 7 5 35, 7 3 7 7 49, 49 और 3 कितने हो गए 52 हो गए ना, तो 5250 मत क्या हो गए वैध मत हो गए, वैध मत कितने हुए 5250 मत कितने हो गए वैध हो गए। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, एक को मिले 40%, तो अपने को दूसरे को पूछे हैं दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ, तो एक को मिल गए 40%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, देखो इसको 40% मिल गए वैध मतों का, तो दूसरे को क्या मिलेंगे 60% इसका वैध मतों का। अब अपन ज्ञात कर लेंगे इसको मिले 60%, देखो अपने कुल मत कितने मिल गए वैध, कुल वैध मत मिल गए 5250, अब ए को कितने मिले 40%, तो बी को कितने मिलेंगे 60%, अब क्या करेंगे अपने 60% का मान निकाल लेंगे, कुल कितने हैं 5250 में से 60% किसको मिल गए दूसरे उम्मीदवार को, तो इसका मान निकाल लेंगे अपने, इसका क्या निकालेंगे 60% निकालेंगे, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया, इससे इस जीरो कैंसिल कर दिया, अब देखो 6 5 कितने हो गए 30, हाथ के आगे 3, 6 2 12 और 3 कितने हो गए 15, हाथ के आगे 1, 6 5 30, 30 से 1 कितने हो गए 31, तो इसको कितने मिलेंगे 3150 वोट, 3150 वोट। बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक चुनाव था उसमें दो उम्मीदवार थे, एक को कुल वैध मतों का कितना मिला 40% और अवैध मत कितने थे 30%, 30% क्या थे अवैध मत थे। यदि मतों की कुल संख्या कितनी 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अब अपन बात करते हैं वैध मतों की, तो कुल कितने थे अपने पास 7500 वोट थे, इसमें से क्या हो गए 30% अवैध हो गए, तो वैध मत कितने हो जाएंगे अपन 70% बच गए ना, 30% क्या हो गए अवैध, तो वैध कितने हैं 70%, तो अपन ने क्या निकाला कुल मत थे 7500 का 70% निकाला, तो अपने पास आ गए 5250। अब इसमें से क्या हो गए ए को मिले 40%, बी को कितने 60%, तो दूसरे को पूछा दूसरे को वोट कितने मिले, तो अपन कुल मत वैध मतों में से क्या निकाल दिया 60% का मान निकाल दिया, वो अपने पास आ गया 3150। बात समझ में आ गई होगी, तो जिसको नोट डाउन करना करो भाई,
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।